नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल जम्मू। मैं कमक्ष डोगरा। बात की जाए चैम्बर की, तो पिछले एक साल से चैम्बर्स के इलेक्शन नहीं हुए थे, जिसके कारण इंडस्ट्री और जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनको बहुत सी मुश्किल है। और अब चैम्बर के इलेक्शन हो चुके हैं और उसी चैम्बर्स के इलेक्शन में हमारे साथ जीत कर जुड़ चुके हैं जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी। चलिए आइए उनसे बात करिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट जीत गए। सर, देखा जाए एक साल से पिछले वो इलेक्शन नहीं हुए थे, अब इलेक्शन हुए, अब आपसे लोग क्या उम्मीद करें? देखिए, इलेक्शन करवाने का मतलब ही यही था कि अब कि हमारा जो नई टीम का जो आज यहाँ पर गठन हुआ है और पूरी टीम आज जम्मू के हितों के लिए, जहाँ तक मैं ट्रेडर्स हैं, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सबके लिए एकदम इकट्ठे होकर पूरी टीम काम करेंगे और जम्मू के जितने तमाम इश्यूज हैं सबको रेस करेंगे और प्रथम लेवल पर एक हम रेस करके कोशिश करेंगे कि उनको रिजॉल्व किया जाए। सर, कोविड भी चला, कोविड में भी इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग और जो शॉपकीपर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसके लिए आप सरकार से क्या मदद? देखिए, इसमें तो रही, जब कोविड आया तो उस समय जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो हमारा अपना जो संगठन था वो उस समय न्यायपालिका के अधीन था और मैटर तब सब जुडिस था और हम ज़्यादा उस समय कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। पर जहाँ तक रही मेरी अपनी मैं बात करूँ, हमारे को जिस हमारे व्यापारी भाइयों ने हमें अप्रोच किया, हमने ज़रूर कोशिश की कि हमने उनके इशू तब भी रिजॉल्व करने की कोशिश की। पर आज नई टीम का संगठन हो चुका है और कोशिश यही रहेगी जो भी नुकसान उस समय हुए हैं तो अब हम उसकी असेसमेंट करके सरकार के सामने बिल्कुल रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व किया जाए। थैंक यू सर। तो ये से हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी।